देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका नोमेनक्लेचर बहुत ज़रूरी है, वो उसकी पहचान होती है। नोमेनक्लेचर के लिए अलग अलग सिस्टम आए हैं। बहुत पहले जो सिस्टम था वो था रूढ़ पद्धति, कॉमन नेम सिस्टम। फिर आया व्युत्पन्न पद्धति, डेराइव्ड सिस्टम। और आज जो सही, सबसे ज़्यादा अच्छा और सिस्टमेटिक है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर। इनमें जो है रूढ़ पद्धति जो है, कॉमन नेम जो सिस्टम है, वो इस बेस पर आधारित है कि उस योगिक का स्रोत क्या है, उसकी पहचान क्या है, जैसा नाम लगा वैसे उसको दे दिया गया है। और इतना एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। या फिर ये कहूँ कि कॉमन नेम सिस्टम, रूढ़ पद्धति अगर अपने को नहीं आती है तो कहीं ना कहीं हम परेशान होते हैं आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने में। तो अब हम पहला जो नोमेनक्लेचर लेते हैं वो है रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति, कॉमन नेम सिस्टम। हमने आपको बताया कि इस सिस्टम में किसी यौगिक का जो नाम दे दिया गया वो वैसा का वैसा ही आज मान्य है उसमें। यानी वो जो नाम दिया गया है वो स्रोत, उसके गुण, उसकी प्रॉपर्टी, इसके आधार पर दिया गया है। जैसे मैं कहूं कि हम इसको मेथेन कहेंगे, हम इसको क्या कहते हैं, मेथेन। लेकिन रूढ़ पद्धति में इसको मार्स गैस कहा गया था। मार्स गैस। अब इसको मार्स गैस क्यों बोला? इसको मार्स गैस इसलिए बोला क्योंकि ये दलदल जो क्षेत्र था, दलदली क्षेत्र था, वहां पर सबसे पहले मिली गई थी। उस दलदल को मार्स कहते थे। तो मार्स से मार्स गैस बना है। इसी तरीके से CH3OH, इसको वुड स्प्रिट कहते हैं। कास्टज एल्कोहल, कास्टज एल्कोहल इसलिए कहते हैं कि ये कास्ट यानी लकड़ी के आसन से मिला था। तो ये इसका जो है कॉमन नेम है। ऐसे अपने पास SCHO, इसको कह देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। CH3CHO बोलते हैं एसीटैल्डिहाइड। CH3COCH3 यह है एसीटोन। इनमें सबसे अच्छा अपने पास यह निकल कर आ रहा है COOH, और यह होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है वो नाम इस आधार पर दिया गया है कि लाल चींटियों से मिला था। लाल चींटियों का जो, लाल चींटियां जो है उनको लैटिन वर्ड में फॉर्मिका कहा जाता है। और फॉर्मिका यानी लाल चींटियों के आसवन से अपने को मिला था, इसलिए इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। मिला था लाल चींटियों के आसवन से, तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड। ऐसे मेरे पास CH3COOH, सिरका, जिसको एसीटम कहते हैं, एसीटम से ये बन गया एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से ये एसीटम से क्या आया, एसिटिक एसिड। इससे भी इंपॉर्टेंट है अपने पास CH3
सी डबल ओ एच, और यहां पर आता है ओ एच। लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा यूज होने वाला नोमेनक्लेचर है ये। लैक्टिक एसिड, लैक्टम दही दूध, वहां से ये आया है लैक्टिक एसिड, क्योंकि उसमें दही है उसमें लैक्टिक एसिड मिलता है, और उस लैक्टिक एसिड लैक्टम दूध दही के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और वहां से आया है लैक्टम वर्ड से लैक्टिक एसिड। तो ये अपने पास हो गया लैक्टिक एसिड। ये जो कॉमन नेम है वो अपने को याद रखने हैं, ये जो कॉमन नेम है वो अपने को याद रखने हैं। आगे चलते हैं, अगर मेरे पास सी डबल ओ एच और यहां सी डबल ओ एच, दो सी डबल एच डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, अब मैं इनके बीच में एक कार्बन और लेकर आता, मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया है, एक कार्बन और बढ़ा रहा हूं सी एच टू और बना दिया, एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, यहां एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए तो इनके जो नाम हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इस तरीके से ये बनते हैं। अगर इसका हम इसकी बात करें तो इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, हिंदी में भी इसको ऑक्सैलिक एसिड ही कहेंगे, ऑक्सैलिक एसिड। इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड, इसको कहते हैं साक्सिनिक एसिड, इसको कहते हैं ग्लूटेरिक एसिड, इसको कहते हैं एडिपिक एसिड, इसको कहते हैं पीमैलिक एसिड। तो देखिए एसिड की कहानी चल रही है, कॉमन नेम है जो अपने पास अलग अलग जगह यूज हो रहे होते हैं। जैसे वी कार्बोक्सिलिकरण करना हो तो वहां कह देता है कि साहब सक्सिनिक आम्ले है, ऑक्सैलिक आम्ले, एडिपिक आम्ले, इनका वी कार्बोक्सिलिकरण हो रहा है, किससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, किससे फास्ट होगा, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरी बात, जैसे अपने पास पॉलीमर आता है तो पॉलीमर में इसका इसका यूज होता है नाइलॉन 6-6 में। तो ये जो है ये कॉमन नेम है और इसको ऐसे कैसे वहां काम में लेते हैं, तो कहने का मतलब ये अपने को आना चाहिए, ये सब अपने को पता होना चाहिए। अब सर इनको याद कैसे रखें, तो देखिए यहां मेरे पास दो कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरे पास तीन कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये चार वाला, ये पांच वाला, ये छह वाला और ये सात वाला, ऐसे है। इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में यानी जिसमें दो सी डबल ओएच है उसमें दो कार्बन है, तीन है, चार है, पांच है, छह और सात है, ऐसा है तो मैं यहां लिख देता हूं ओ ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सिनिक ग्लूटेरिक एडिपिक पीमैलिक, ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सिनिक ग्लूटेरिक एडेपिक पीमैलिक। यहां ट्रिक क्या बन गई, ओम्स गैप, कौन सा गैप, ओम्स गैप। इस तरीके से आप जो है इसको याद रख सकते हैं, ये अपने पास एक ट्रिक बन जाती है जिससे हम ध्यान रख लेंगे ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सिनिक ग्लूटेरिक एडेपिक एंड पीमैलिक। कहने का मतलब यह है कि ये कॉमन नेम कहीं भी यूज हो जाते हैं, इनका अपने को पता होना चाहिए। जैसे लैक्टिक एसिड डायरेक्ट, फॉर्मिक एसिड डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है कि नहीं, ऑक्सैलिक
एडिपिक, सक्सिनिक, ये सब डायरेक्ट यूज होने वाले नोमेनक्लेचर है। तो ये चल रहा है अपने पास रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में अभी अपन और लेते हैं और वो नोमेनक्लेचर लेते हैं जहां हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और तुलनात्मक अध्ययन करके उनको याद कर सकते हैं। बाकी जो नोमेनक्लेचर होंगे वो तो अपन जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वैसे वैसे वही उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम आगे नोमेनक्लेचर बढ़ाते हैं कॉमन नेम को और आपसे पूछते हैं कि बच्चों इसका नाम क्या है। तो आप कहेंगे सर इसका नाम क्या है, सक्सिनिक एसिड। इस सक्सिनिक एसिड में इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पर OH आता है। क्या आता है? OH। तो इसका नाम होता है मैलिक एसिड। देखिए जहां इंग्लिश लिख रहा हूं वहां हिंदी में भी वही नाम होता है, बोलने में वही बोलता है मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। इस मैलिक अम्ल से मैं आपको दो अम्ल सिखाऊंगा, बनते हैं ये नहीं बताऊंगा, सिखाऊंगा कि अगर यहां से OH और यहां से H चली जाए तो डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो दो विन्यास संभव है। एक में दोनों COOH एक ही तरफ हो और दूसरे में दोनों COOH जो हैं वो ऑपोजिट हो सकते हैं, ऐसा। ऐसे नहीं कि इससे कोई रिएक्शन नहीं, मैं ये बना दिया, नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि इसको याद रखते हैं, इनको याद रखा जा सकता है कि जब यहां से OH और यहां से H जाएगा तो दो विन्यास संभव है जिसमें दोनों COOH एक ही तरफ होते हैं तो उसका नाम होता है मैलिक एसिड। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, मैलिक अम्ल। इसका यूज ज्यामितीय समरूपता में हो रहा होता है। इसका नाम मैलिक एसिड है, जब इस ये वाला ग्रुप इधर आ जाता है तो इसका नाम हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड। ये मैलिक एसिड था और ये क्या है, फ्यूमेरिक एसिड है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक अम्ल। देख इतने सारे अम्ल हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछता कोई और कोई दूसरा है, हम बता कुछ दूसरा देते हैं। जैसे एम से तीन नाम शुरू हो रहे हैं यहां, कौन कौन, मेलोनिक, मैलिक, मैलिक, एक जैसे नाम लग रहे हैं, मैलिक, मैलिक, मेलोनिक, एक जैसे नाम लग रहे हैं। लेकिन जब यहां अपन कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं तो फिर ये अपने को याद रह जाते हैं। आगे चलते हैं। अगर मैं यहां ऐसे लिखूं CH2 COOH और यहां भी COOH तो अपने दिमाग में आ जाएगा इसका नाम क्या हुआ, ये वाला। मैंने क्या लिख दिया, सक्सिनिक एसिड। फिर मैं कहूंगा यहां किसी भी एक कार्बन पर OH आएगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड। जब यहां से हाइड्रोजन हट के फिर OH आ जाएगा तो अपने दिमाग में आता है कि डबल मैलिक एसिड हो गया, पर ऐसा नहीं है। जैसे दो OH समूह आ जाएंगे इसका नाम होता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक अम्ल, और टार्ट्रिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाने वाला अम्ल है। इमली खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है, उसका जो खट्टापन है ना वो इस अम्ल की वजह से होता है। तो अपने को टार्ट्रिक एसिड ध्यान रखना है। जो आप गोलगप्पे खाते हैं उसका जो पानी होता है ना खट्टे वाला, वो भी टार्ट्रिक एसिड से बनाया जाता है आजकल। तो यहां से ये क्या बन गया, टार्ट्रिक अम्ल, और ये इमली में पाया
जाता है। आगे चलते हैं। मैंने यहां लिख दिया CH2COOH। अपने दिमाग में आ गया है इमीडिएट कि ये कौन है, सक्सिनिक एसिड। बार बार प्रैक्टिस से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बार बार प्रैक्टिस मांगती है आपसे। तो यहां ये हो गया सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड में यहां से एच गया और यहां पर कौन आया, ओ एच। देखते ही ख्याल आता है कौन है ये, मैलिक एसिड। और इस कार्बन पर ऐसा का ऐसा जैसा कि ऊपर है कनेक्ट किया, तो ये बनता है सिट्रिक एसिड। और आपका सुना हुआ है सिट्रिक अम्ल जो है वो सिट्रस फलों में पाया जाता है। सिट्रस फल जैसे नींबू है, ऑरेंज है, संतराए हैं, इन जो खट्टे ये फल हैं इनमें जो खट्टापन होता है वो इस अम्ल की वजह से होता है। तो ये हो गया सिट्रिक एसिड। और ये क्या किसमें पाया जाता है, सिट्रस फलों में मिलता है। सिट्रस फलों, और सिट्रस फलों में एक छोटा सा उदाहरण क्या लिख सकता हूँ आपके लिए, नींबू जो आप सब जानते हैं में पाया जाता है। देखो इन अम्ल को सबको देखकर अच्छा लगना चाहिए क्योंकि ये अपने आगे काम में आने वाले हैं, तो आप इनको लिख लिख के याद कर लें। अम्ल की कहानी चल रही है, क्लियर। तो देखिए हमने शुरू से देखें इसमें तो क्या क्या लिया, हमने लिया मार्स गैस, एसिटिक एसिड लिया, फॉर्मिक एसिड लिया, लैक्टिक एसिड लिया, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लुटेरिक, एडिपिक, पिमेलिक एसिड लिया है, मैलिक लिया, मैलिक लिया, फ्यूमेरिक लिया है, ऐसे ही टार्ट्रिक एसिड लिया, सिट्रिक एसिड लिया। ये सारे एसिड जो हैं इनमें से किसी न किसी का कहीं ना कहीं यूज अपने आगे होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम वही कॉमन नेम सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। देखिए कॉमन नेम सिस्टम में कुछ नाम ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, अपने को बहुत कंफ्यूज करते हैं, और जब कंफ्यूज करते हैं तो पूछता कुछ और है, हम समझते कुछ और हैं, जवाब कुछ और देते हैं। अगर इस नाम को आप देखें तो ये जो नाम है आपके पास बहुलक में आता है, और इसका नाम है आइसोप्रीन। क्या नाम है इसका, आइसोप्रीन। जब यहां पर क्लोरीन आएगा तो इसी का कॉमन नेम बन जाएगा क्या, क्लोरोप्रीन। देखिए एक जैसे नाम लग रहे हैं। और जब इस क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण होगा तो एक नई स्ट्रक्चर, एक नई श्रृंखला बनेगी, और उसमें क्या होगा, ये पाइप बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी एक वैलेंसी इधर फ्री होगी और ये वाला उधर कनेक्ट हो जाएगा, इसकी एक ये टूटेगा, एक वैलेंसी इधर फ्री और दूसरे वाली इधर कनेक्ट हो जाएगी, और इसका रिपीटेशन हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है नियोप्रीन। क्या हुआ इसका नाम, नियोप्रीन। एक जैसे लग रहे हैं ना, इसलिए कौन सा क्या है अपने को पता होना चाहिए। इसका नाम बेंजोइक एसिड है, और जब यहां पर ओ, ध्यान रखना ओ कनेक्ट हो रहा है, सीओ सी एस थ्री,
ये है एस्प्रिन। क्या है? एस्प्रिन। तो चारों नाम एक जैसे ही लग रहे हैं, आइसोप्रिन, क्लोरोप्रिन, नियोप्रिन, एस्प्रिन। तो जब क्वेश्चन आता है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। जब बहुलक बनता है तो यह प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई होती है, एकलक होती है, और इस नियोप्रिन की यह एकलक इकाई होती है, जो मैं हम वहां डिटेल से लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और यह बहुलक होता है और यह दर्द को दूर करने वाली है। तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन जाते हैं। निम्न में से क्वेश्चन होता है, निम्न में से कौन सी दर्द निवारक है? नाम लिखे होते हैं, वहां नाम लिखे होते हैं, आइसोप्रिन, क्लोरोप्रिन, नियोप्रिन, एस्प्रिन। तुरंत अपन क्या करते हैं, एस्प्रिन को टिक कर देते हैं। अपने को पूछता है निम्न में से कौन सा बहुलक से संबंधित नहीं है, तो ये नहीं है साहब। वो कहता है कि निम्न में से कौन सा बहुलक है, आइसोप्रिन, क्लोरोप्रिन, नियोप्रिन, उपरोक्त सभी। तो हम देखते हैं सब में प्रीन है तो सभी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एकलक है और ये बहुलक है, बहुलक यही है। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और क्वेश्चन बनते हैं तो अपने को इनका पता होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला क्या है। अब देखिए ऐसे ही नाम जो आपको ज्यादा कंफ्यूज करते हैं उनको ले रहे हैं। एच ओ सी ओ एच, इसमें मैंने एक ओ एच की जगह एन एच टू ले लिया, और एक मैंने ये बना दिया। ठीक है, तो ये तो सब अलग अलग दिख रहे हैं पता है, लेकिन ये नाम जो है वो लगभग एक जैसे आते हैं। इसका नाम आता है कार्बोनिक एसिड, इसका नाम होता है कार्बेमिक एसिड, इसका नाम है कार्बोलिक एसिड, और यही कौन है, फिनोल। तो फिनोल का दूसरा कॉमन नेम रूट नाम क्या हुआ है भाई, कार्बोलिक एसिड। तो ये एक जैसे लग रहे हैं, कार्बोनिक कार्बोलिक, लेकिन है बिल्कुल अलग। तो मतलब ये है कि अपने को कॉमन नेम सिस्टम आना चाहिए। ऐसे ही आप देख सकते हैं जो नाम एक जैसे हैं, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है और इस पर OH आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड N है इस पर NH2 आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड N है इस पर CH3 आ गया। देखिए नाम, इसका नाम होता है साइनिक अम्ल, इसका नाम होता है साइनेमाइड, इसका नाम होता है एसीटोनाइट्राइल, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, देखिए कॉमन नेम से। एक बार क्वेश्चन उसने पूछा कि एसीटोनाइट्राइल का सही आईयूपीएसी नाम क्या है। अब आईयूपीएसी नाम तो तब सही बताएंगे ना जब ये पता हो कि एसीटोनाइट्राइल क्या होता है। क्वेश्चन बन गया, AI Triplet 2010 में क्वेश्चन आया था कि एस्प्रिन का सही आईयूपीएसी नाम कौन सा है, फिर चार एबीसी सेक्स दिए हुए थे। अब उसका जवाब अपन तभी दे पाएंगे जब अपने को एस्प्रिन का स्ट्रक्चर पता हो, कि एस्प्रिन जो है वो अपने आप में कॉमन नेम है, उस कॉमन नेम से अपने को स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, फिर अपने को आईयूपीएसी आना चाहिए। तो मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आने लग गए जिसमें दो दो तीन तीन बातें एक साथ पूछ लेते हैं। तो कॉमन नेम सिस्टम अपने लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस लाने के लिए और नंबर लाने के लिए। तो इस तरीके से यहां पर अपन ने क्या लिया, आइसोप्रिन, क्लोरोप्रिन, नियोप्रिन, एस्प्रिन एक जैसे लग रहे थे वो, यहां लिया कार्बोनिक कार्बेमिक कार्बोलिक एक जैसे, ये देखिए यहां पर साइनिक अम्ल साइनेमाइड
यहाँ से यूरिया जब बनाते हैं तो है, कहता है साइनेमाइड से यूरिया बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन सही है, तो साइनेमाइड का भी सूत्र अपने को आना चाहिए, ये सब अपने को आना चाहिए। ऐसे देखिए आप, एक होता है एक्रोलीन, CH2 डबल बॉन्ड CHO, इसका नाम होता है एक्रोलीन, और एक्रोलीन अपने आप में कॉमन नेम है। अगर यहां पर COOH हो जाएगा तो उसको अपन बोल देंगे एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक अम्ल, क्या बोल देंगे उसको, एक्रिलिक अम्ल बोल देंगे। तो इस तरीके से कॉमन नेम है जो अपने को आने चाहिए। अपने पास और बहुत सारे कॉमन नेम है जो यहां ले रहे हैं वन बाय वन, तो इनको क्या करना है, याद करना है आपको लिखकर, तुलनात्मक अध्ययन के लिए अपन ने एक साथ ले लिया है। देखिए अपने पास ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर एक CH3 आता है, तो इसका नाम होता है टोलुइन, जैसा कि अपन ने पहले भी जिक्र किया है टोलुइन। इस टोलुइन पर यहां एक CH3 आया, इस CH3 की पोजीशन जो है वो मेटा पर हो गई है, 1-3 हो गया है, ये CH3 और ये CH3, ये तीनों जो है डिफरेंट कंपाउंड है, संरचना तीनों की अलग है, नाम भी अलग होगा। इसको कहा जाता है जाइलीन, ये भी है जाइलीन ही, इसको भी जाइलीन ही कहेंगे, और ये भी कौन है, जाइलीन, लेकिन पोजीशन के बेसिस पर इसके सापेक्ष ये ऑर्थो स्थिति पर है, तो इसको कहा जाता है ऑर्थोजाइलिन, इसके सापेक्ष मेटा स्थिति पर है कहेंगे मेटाजाइलिन, और ये पैरा पोजिशन पर है तो इसको कहेंगे पैराजाइलिन, यानी ये ऑर्थोजाइलिन, ये मेटाजाइलिन, और ये हो गया पैराजाइलिन। अब ये हैं तो हैं, इसको अपन बदल नहीं सकते साहब, तो ये नाम अपने को ध्यान रखना होता है, कॉमन नेम है। ऐसे ही अगर अपन तुलना करें, ये CH3 है, क्या नाम होगा इसका, टोलुइन, ध्यान रखना। अगर ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर क्या आ गया CH3, इसका नाम क्या ध्यान रखना है अपने को, टोलुइन, क्लियर। हाँ, अब देखिए अपने पास ये था और इसमें एक CH3 को हटाकर यहां पर क्या ले लिया मैं, OH, इन दोनों में से एक को मैंने क्या बना दिया, OH, क्या बना दिया, OH। अब ये हाइड्रोक्सीजाइलिन नहीं है या हाइड्रोक्सीटोलुइन, ऐसे नहीं कहेंगे, कॉमन नेम इसको कहा गया है क्रिसोल, इसका नाम है ऑर्थो क्रिसोल, इसका नाम है मेटा क्रिसोल, इसका नाम है पैरा क्रिसोल। तो ये अपने को ध्यान रखना है, क्या ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। आगे चलते हैं, अगर मैं दोनों जगह OH ले लूं, यहां OH, यहां भी OH, ये OH, दोनों जगह OH आ गया है, OH आते ही एक का पता हो तो बाकी बताए जा सकते हैं, एक का पता हो कि ये क्रिसोल है तो ये ऑर्थो क्रिसोल, ये मेटा क्रिसोल, ये पैरा क्रिसोल। अगर मैं ये कहूं कि ये कैटेकोल है,
कौन है ये? कैटेकॉल। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये तो ऑर्थो कैटेकॉल, तो ये मेटेकैटेकॉल, ये पैरा कैटेकॉल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनका पोजिशन पर ऐसा नहीं है, इनके डायरेक्ट नाम दिए गए हैं, तो याद रखना ये कैटेकॉल होता है, ये रिसॉर्सिनॉल होता है और ये क्विनॉल होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह तीनों के नाम बिल्कुल अलग अलग आएंगे, एक के आधार पर बाकी का नॉमनक्लेचर यहां नहीं किया जा सकता। ऐसे ये वाला जो है अपने बहुत काम में आता है, एक सी डबल ओ एच के पड़ोस में दूसरा सी डबल ओ एच है, एक सी डबल ओ एच और यहां दूसरा सी डबल ओ एच, तो ये दोनों एक ही है, घबराए नहीं, थोड़ा घुमा दिया, रोटेट कर दो आप, वही है। ये 1-2 पोजीशन पर है, 1-2 पर नहीं होके 1-3 पर भेज दिया। और यहां जो है, यहां सी डबल ओ एच है और इसको यहां भेज दिया। आईयूपीएसी नाम तो अलग होंगे, लेकिन इनके जो कॉमन नेम है, रूड नाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है थैलिक अम्ल, जो अपने बहुलक में भी काम में आते हैं। इसका नाम है आइसोथैलिक, और इसका नाम है टरथैलिक। टरथैलिक अम्ल, तो इन एसिड का अपने को जो नॉमेनक्लेचर है वो ध्यान रखना है। लगते एक जैसे होंगे, लेकिन नाम तीनों के क्या है? अलग अलग है। ऐसे अपने पास जो है और भी कॉमन नेम है, बहुत सारे कॉमन नेम हैं जिनसे अपन सिंगल उनको याद कर सकते हैं, ज्यादा तुलनात्मक की वहां जरूरत नहीं पड़ती है, वो जैसे जैसे चैप्टर में आएंगे वैसे वैसे याद कर लेंगे, ठीक है कि नहीं? यहाँ थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी था। ऐसे नहीं कि कॉमन नेम रूड नाम थे वो खत्म हो गए, इतनी हैं, कॉमन नेम बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर में आएंगे वैसे वैसे अपन पढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैं आपको एक दो और बता देता हूँ। यहाँ पर OCS3 है, इसका नाम होता है एनिसॉल, और अगर यहाँ मिथॉक्सी के बजाय यहां इथॉक्सी समूह आया, इथॉक्सी हो जाएगा CH2CS3, इसका नाम होता है फेनिटॉल। तो कहने वाले नाम अपने को पता होने चाहिए। जैसे यहां पर बेंजीनिंग है, CH3 बन गया, इसका नाम क्या हो गया? मैसिटिलीन। क्या हो गया? मैसिटिलीन। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये नॉमेनक्लेचर है ना, कॉमन नेम, उनको अपने को बार बार लिख के याद करना है। तुलनात्मक जो है अपन ने अध्ययन किया है, कॉमन नेम और भी बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं कि साहब ये कॉमन नेम जो थे वो खत्म हो गए हैं, चैप्टर में फिर बीच बीच में आएंगे, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो मैंने आपको कॉमन नेम बताए हैं इनको आप याद कर लें। याद करने का ये आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना आप क्या करें, पहले लर्न करें, उसको समझें, याद कर लें, और फिर दो तरीके से, एक बार तो जितने भी नाम लिखे हुए हैं उनको एक लिस्ट बना लें कि साहब इतने कॉमन नेम हैं, फिर बिना देखे उनकी स्ट्रक्चर बनाए कि साहब इसकी स्ट्रक्चर ये बनेगी, इसकी ये बनेगी, इसकी ये बनेगी, तो अपने आप दिमाग में आएगा। दूसरा फिर ये होगा कि आप सबकी स्ट्रक्चर बना लो और फिर उसके आगे उसका बिना देखे नाम लिखो, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये कॉमन नेम था। अब हम नेक्स्ट जो अपने पास लेक्चर आएगा उसमें अपन देखेंगे युत्पन्न पद्धति तथा आईयूपीएसी पद्धति।